नमस्कार दोस्तों, कल आप सभी के स्कूल में संस्कृत का सेंटअप एग्जाम होने वाला है और आज ही दोस्तों आप सभी का संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताए थे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 100%, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, लेटर, निबंध, जितना भी है, अनुच्छेद वगैरह, सबका मैं आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये संस्कृत सेंटअप एग्जामिनेशन 22 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और सेट ए है और कोड नंबर है 105। यही आपको फाइनल एग्जाम में, फाइनल बल्कि आप जब स्कूल में जाइएगा तो यही पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन यही रहेगा, गायिका में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, और दूसरा में एक प्लस दाब से कौन सा अव्यय बनेगा, ठीक है। और तीसरा प्रश्न में देख लीजिएगा, और देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, इसी पैसेज है, इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, चार प्रश्न पूछे गए हैं और दो का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा, मतलब कि पत्र संस्कृत में आपको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद पूछा गया है, शिक्षक दिवस पर पूछा गया है, ठीक, उपनिषद पर पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को मैं एक एक आंसर बताया हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में दो का दूसरा का आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दो का दूसरा का आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर है, दो का तीन का आंसर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर तीन खंड तीन का आंसर है ख का, ठीक है। और ऐसे करके मैं सबका आंसर यहाँ पर दिया हूँ। तो ये सब कहाँ आप लोग आपको देखने को मिलेगा, तो फाइनली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और सर्च में एक ही चीज़ सर्च करिएगा, mgvresult.com, जो मैं बता रहा हूँ ना वही सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर किसी को ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं मिला है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आकर सर्च करें गूगल में mgvresult.com। देखिए मैं सर्च करता हूँ mgvresult.com, आप लोग भी mgvresult.com लिखकर सर्च करिएगा। जैसे ही आप लोग mgvresult.com लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने mgvresult.com का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट के जस्ट नीचे, यहाँ पर पहला मिलेगा संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेंटअप एग्जाम 2022, और दूसरे में मिलेगा आपको क्लास 10th संस्कृत सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर सब्जेक्टिव का, तो पहले आप लोग चॉइस कर लीजिएगा कि हमको क्या देखना है, ठीक है। तो मैं तो आपको उस पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हो वही पेज ओपन हो गया, और नीचे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके आना, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये करना तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आंसर, यहाँ पर देख लीजिए वही है जो मैं अभी आपको हाल फिलहाल में बता रहा था, ठीक है। यही पूरा का पूरा आप लोग छाप लीजिएगा और नीचे आपको और 20 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बैक आइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, दूसरे वाला पर टैप करिएगा, दूसरे वाला पर टैप करिएगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये देख लीजिए, ये भी वही पेपर है, सेट ए कोड 105, ठीक है। और इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वही है, ठीक है। और देख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना है यहाँ से क्लिक करिएगा, और इसका आंसर लेना है तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप लोग जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करिए, या फिर गूगल में या फिर कोई भी ब्राउजर आपके मोबाइल में होगा ओपन करके सर्च करिएगा mgvresult.com, जो मैं आपको अभी सर्च करके बताया, ठीक है। यहाँ पर सबका आपको मिलेगा, ठीक है, A to Z मिलेगा। तो ऐसे ही एग्जाम से एक दिन पहले प्रश्न पत्र लेना चाहते हैं वो भी ओरिजिनल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ना वादा करता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दूंगा, ठीक है।